और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर है, जहां पे समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया। सपा के हेड ऑफिस से हर चीज लीक हो जाती है। एसटी हसन ने इस बात को कहा, मुझे पहले टिकट मिला था, फिर दबाव में दूसरा प्रत्याशी उतार दिया गया। अखिलेश कमजोर नहीं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, एसटी हसन ने इस बात को कहा। रामपुर पर पहला हक आजम खान का है, एसटी हसन ने यह बात भी कही है। तो बड़ा बयान है एसटी हसन का। एक तरफ तो कल आपने देखा कि एसटी हसन का नामांकन कैंसिल हुआ, रुचि वीरा आपने देखा कि वहां से कैंडिडेट बनी, और आज रामपुर में भी आप इसी प्रकार की स्थिति देख रहे हैं, और इसको लेकर के एसटी हसन ने यह बयान दिया है। अखिलेश यादव जी ने मुझे सबसे पहले टिकट दिया था, और टिकट के बाद मैंने नॉमिनेशन भी कर दिया था। अब मुझसे ये कहा गया था कि वक्त कम है, जल्द से जल्द नॉमिनेशन करा दिया जाए। अखिलेश यादव जी ने मेरे पर भरोसा हमेशा करा, और मैं कभी उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं, कुछ दबाव ऐसे होते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत संस्कार वाले व्यक्ति हैं, और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार उनका रहा है, चाहे उसमें उनका नुकसान हो जाए। तो लगता यही है कि उनके ऊपर कुछ ऐसा दबाव आया जिसको वो अवॉइड नहीं कर सके, और दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पे उतार दिया गया। नहीं, अखिलेश जी कोई कमजोर नहीं है, लेकिन उनके संस्कार ऐसे हैं। आजम खान साहब ने मुलायम सिंह यादव जी के दायां हाथ थे, फाउंडर मेंबर थे इस पार्टी के, और अखिलेश जी का बचपन उनके सामने गुजरा है, और नेताजी के जो संस्कार थे वो अखिलेश जी में भी हैं। वो उन संस्कारों की वजह से अपना नुकसान उठा लेते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। ये चीजें ऐसी नहीं होती कि तेरी मेरी सिफारिशों पे हो जाए, इसके लिए असेसमेंट होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मजबूरी यह है कि हमारे पार्टी ऑफिस में असेसमेंट के रिजल्ट्स तक को चेंज कर दिया जाता है, वहां से हर चीज लीक हो जाती है। जाहिर है पहला हक आजम खान साहब का रामपुर के ऊपर है, मुरादाबाद तो दूसरा जिला आ गया, लेकिन उनकी भावनाओं को कंपनसेट करने के लिए यहाँ का टिकट बदल दिया गया। हाँ, एक कंफ्यूजन से ग्रेड तो कम हो ही जाता है, और फजीहत तो मैं नहीं कहूँगा। जनता इस वक्त बीजेपी के खिलाफ है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। सापा की साख पे थोड़ा बहुत तो डेंट आया ही है, क्योंकि क्लियर कट होनी चाहिए हर चीजें,